हाय डियर्स, वेलकम टू माय repair24h.com। आज की ट्रेनिंग की माइक्रोवेव के अंदर टॉप साइड में लगा हुआ ग्रिल गर्म नहीं होता है, जिससे हम रोस्ट, टोस्ट या ग्रिलिंग का काम नहीं कर पाते हैं। और दूसरा, जब हम माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पे चलाते हैं तो इस कंपार्टमेंट के अंदर टेम्परेचर मेंटेन होते ही नहीं है, या कि बहुत कम गर्म करते हैं कि बेकिंग होने के लिए सुफिशियंट टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाते हैं, जिससे हम बेकिंग का काम नहीं कर पाते हैं। और या तो कन्वेक्शन मोड पे गर्म करता ही नहीं है, तो क्या रीजन हो सकते हैं? यही ट्रेनिंग आज की। कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनको रोस्ट करना, टोस्ट करना या ग्रिल करना होता है, तो माइक्रोवेव के अंदर उस ऑप्शन को पाने के लिए कुछ ऐसे ऑप्शन बनाए जाते हैं। जैसे कि किसी भी माइक्रोवेव के अंदर जब आप देखते हैं तो ग्लास सेल्फ नीचे होता है, ठीक उसके ऊपर हीटर एलिमेंट लगे होते हैं, जो आप ऐसे देख सकते हैं। कुछ माइक्रोवेव के ग्रिल हीटर एलिमेंट ग्लास ट्यूब टाइप के होते हैं और कुछ माइक्रोवेव के हीटर ग्रिल कॉइल के जैसे बने होते हैं, ऐसा जैसा आप इसमें देख रहे हैं। ये बिल्कुल कॉइल के जैसे बने हुए हीटर ग्रिल हैं जो माइक्रोवेव की सीलिंग में फिट हैं। जब हम माइक्रोवेव में ग्रिल को सिलेक्ट करते हैं और टाइम देके स्टार्ट करते हैं, तो किसी भी माइक्रोवेव के पीसीबी कंट्रोल पैनल के रिले से होते हुए ये वायर जो हीटर तक पहुंचते हैं, ये हीटर ग्रिल को पहुंचने वाले वायर सबसे पहले बॉडी से लगे हुए, माइक्रोवेव की बॉडी से लगे हुए एक ओवरहीट प्रोटेक्टर थर्मोस्टेट कंट्रोल के थ्रू ये पास होते हैं सीरीज में माइक्रोवेव के अंदर लगे हुए ग्रिल को। माइक्रोवेव के अंदर हीटर ग्रिल के टर्मिनल यहाँ पर हैं, जो आप इस जगह पर देख सकते हैं, ये और ये न्यूट्रल और फेस। यहाँ पर चार स्क्रू होते हैं, हम चारों स्क्रू को खोल के जब हम इसको हटाते हैं तो इस तरह से दिखता है। इसमें लगे हुए हैं ग्लास टाइप के हीटर ग्रिल, लेकिन वो देखे नहीं जा सकते हैं इसलिए कि वो बॉडी के अंदर हैं। हमें इनको खोलने के लिए एक इधर और एक दूसरी साइड में ऐसे क्लैंप्स बने होते हैं। इन मेटल के क्लैंप्स को हमें यहाँ पर लगे हुए एक नट को खोलना पड़ता है। जब हम इनको खोलते हैं तो यहाँ से कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जिसके अंदर हीटर ग्रिल फिट हुए रहते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं निकलेंगे। उसके लिए हमें इस साइड का भी नट को ओपन करके इस क्लैंप को भी हटाना होगा। अब ये यहाँ से भी नहीं निकलेंगे जब तक हम इनके दोनों कनेक्टर को यहाँ से हटा नहीं देते हैं। इस तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इस तरह से बाहर आ जाते हैं, ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। इनकी जो टेस्टिंग है बिल्कुल इस तरह से सीरीज में होता है, जैसे हम इस सीरीज टेस्टर से चेक कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जब इनको पावर देने वाले टर्मिनल के दोनों टर्मिनल से हम अपना सीरीज टेस्टर रखते हैं तो ये लाइट होती है। इसका मतलब है कि इसका सीरीज इस तरफ से लेकर के यहाँ तक पूरे हो रहे हैं। इन दोनों ग्लास हीटर के सीरीज बनाने वाले ये जो कनेक्टर्स होते हैं, अगर ये जल गए हैं कहीं इस साइड से तो भी ये हीट होना बंद हो जाते हैं। ऐसे में ये नहीं समझना चाहिए कि ये ग्रिल हीटर बंद हो गया है या कि फॉल्टी हो गया है। अगर ये यहाँ से कहीं से ये वायर जल जाते हैं तो ये हीट होना बंद हो जाता है। तो हमें इन वायर्स के जो पिन, जो कनेक्टर आप देख रहे हैं, या कि हमें दूसरे कनेक्टर्स को चेंज करके हमें इन्हें वापस ऐसा कनेक्ट कर देने से ये ओके हो जाते हैं, या इनके अंदर से ये जो कॉइल जो निकल रही है, ये हीटिंग कॉइल अगर अंदर से कहीं से टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, तो ऐसे में हमें जिस साइड के हीटर कॉइल टूटी हुई है उसी ट्यूब को चेंज किया जाए, दोनों को चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। तो माइक्रोवेव के अंदर फिट इन हीटर ग्रिल को हमें चेक करने की तभी जरूरत पड़ती है जब हम माइक्रोवेव के अंदर कुछ रोस्ट या टोस्ट कर रहे होते हैं, तो टॉप साइड का जो हीटर ग्रिल है वो गर्म नहीं होता है, तभी हमें इन हीटर ग्रिल को चेक करने की जरूरत पड़ती है कि ये वर्किंग है या नहीं है। लेकिन इनको रिप्लेस करने की तभी जरूरत पड़ती है जब इनके सीरीज ओपन हो गए होते हैं, कोई एक कॉइल अगर अंदर से ओपन हो गई है, तभी हमें इन हीटर ग्रिल को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। जब हम ग्रिल हीटर के सीरीज को चेक करते हैं कि इस तरह से लाइट होती है, तो हमें पता चलता है कि ये ग्रिल हीटर ओके है। लेकिन जब हम किसी बोल्ट मीटर से यहाँ के वोल्टेज चेक करते हैं तो हमें यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलते हैं, 230 वोल्ट्स या कि सिंगल फेज की पावर सप्लाई यहाँ पे नहीं मिलती है। और अगर ये हीटर एलिमेंट इनके ओके दिखाते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज को चेक करो, अगर इनको वोल्टेज नहीं आ रहे हैं तो इस हीटर ग्रिल को वोल्टेज जिस सोर्स से आते हैं उनको चेक करो, इसी के सीरीज में जुड़ा हुआ होगा ओवरहीट प्रोटेक्टर। ग्रिल को पावर वोल्टेज सबसे पहले पीसीबी कंट्रोल से आउट होते हैं रिले के सोर्स से,
फिर ये ओवरलोड प्रोटेक्टर के पास में आते हैं। इनके सीरीज से होते हुए ये इस ओवरहीट प्रोटेक्टर के सीरीज से होते हुए ये ग्रिल तक पहुंचते हैं। तो अगर हमें शक होता है कि इनके सीरीज ओपन हो गए हैं, ये वापस कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए हीटर तक पावर सप्लाई नहीं पहुंच रही है, और हम इसकी टेस्टिंग आपको दिखाना चाहूंगा। जब हम इनके दोनों टर्मिनल पे इस तरह से रखते हैं तो ये लाइट होते हैं, इसका मतलब है कि ये ओके है। तो ऐसे में हमें हीटर ट्यूब को नहीं रिप्लेस करना चाहिए, बल्कि इस ओवर हीट प्रोटेक्टर को रिप्लेस कर देने पे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाया करती है। माइक्रोवेव के अंदर अगर ग्रिलिंग कम होती है, जैसे कि ये ग्लास हीटर अगर कम गर्म होते हैं, या कि टेम्परेचर कम मिलता है, 220 डिग्री सेल्सियस शायद वहाँ पे टेम्परेचर नहीं मिल रहे हैं, या कि 100-100 डिग्री सेल्सियस पे ही अगर ये कट ऑफ हो जाया करते हैं यहाँ से पावर सप्लाई, तो उनको कहा जाता है कि ये टेम्परेचर हीट कंट्रोल डिफरेंशियल हो गए हैं, ये करेक्ट टेम्परेचर को सेंस करके ओपन नहीं होते हैं, या कि थोड़े ही टेम्परेचर मेंटेन होने पे ही ये ओपन हो जाया करते हैं, जिससे ये हीटर ग्रिल पहले ही ऑफ हो जाया करता है और उतने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता है। ग्लास ट्यूब वाले हीटर ग्रिल को जब भी आप रिप्लेस करें तो जिस साइड से इनके सीरीज बनते हैं, इस तरह से इन क्लैंप को पहना के इनके सीरीज जो कनेक्टर्स होते हैं इनको आप लगा दीजिए। ये सीरीज कनेक्टर जब फिट हो जाते हैं तो आप इनको, आप इन ट्यूब को इसके अंदर आप डालिए, इस तरह से इस बॉडी के हीटर स्लॉट्स के अंदर ही इसको डाल दीजिए अंदर, और यहाँ पर जो इस तरह से यहाँ से निकलेंगे, जो इस तरह से यहाँ पे निकलेंगे, इनको बाहर ले लीजिए और इस नट को यहाँ पे पहना दीजिए, इस तरह से टाइट कर दीजिए, और इनके टर्मिनल कनेक्टर को भी कनेक्ट कर दीजिए दोनों को। और अगर ओवरलोड प्रोटेक्टर को भी पीसीबी से ही पावर नहीं आ रहा है, वोल्टेज यहाँ से रिलीज ही नहीं हो रहा है इसके रिले से, पीसीबी को कनेक्टर को इस तरह से निकालिए, यहाँ से सारे कनेक्टर्स को आप बाहर निकाल दीजिए, इस तरह से इनको खोल लेने से ये पीसीबी को यूं निकालिए और इस पीसीबी को ले जा करके पीसीबी रिपेयर वाले के यहाँ दे दीजिए। अक्सर सभी शहरों में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव की पीसीबी रिपेयर वाले रहते हैं, उनको ले जा करके इस पीसीबी को रिपेयर करवा के और वापस ला करके माइक्रोवेव के अंदर फिट कर दीजिए। और आप अगर वीडियो देखने वालों में से माइक्रोवेव यूजर हैं तो आप देखिए कि क्या आपकी सिटीज में हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। अगर सर्विसेज अवेलेबल हैं तो हमारे इस 9833337777 कॉन्टैक्ट नंबर पर डायल करके आप हमारे वेल क्वालिफाइड रिपेयर सर्विस इंजीनियर को बुला सकते हैं, और आपके माइक्रोवेव में ही नहीं, आपके घर में यूज होने वाले सारे बड़े अप्लायंसेस में आ रही प्रॉब्लम को सेटिस्फैक्ट्री सॉल्व करेंगे। वहीं माइक्रोवेव में अगर कन्वेक्शन फंक्शन को देखा जाए तो जब हम इसमें 200 डिग्री सेल्सियस सेलेक्ट करते हैं और माइक्रोवेव को जब स्टार्ट करते हैं तो इनके कन्वेक्शन हीटर को भी रिलीज होने वाले वोल्टेज सबसे पहले पीसीबी कंट्रोल रिले से रिलीज होते हैं, जो माइक्रोवेव के कन्वेक्शन हीटर को जाते हैं। आप माइक्रोवेव के पीछे फिट हुए कन्वेक्शन हीटर को आप कुछ इस तरह से, यहाँ दो स्क्रू होते हैं, इनको जब आप खोलते हैं तो आप इन्हें जब बाहर लेते हैं इस तरह से तो यहाँ कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ पे फिट होते हैं कन्वेक्शन फैन मोटर। ये कन्वेक्शन फैन मोटर जो कंपार्टमेंट की हीट को सर्कुलेट करते हैं, और यहाँ पर लगे हुए है ओवरहीट प्रोटेक्टर। ये ओवरहीट प्रोटेक्टर इस एरिया के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। ये एरिया भी 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हॉट नहीं होने चाहिए, जिससे ये फैन मोटर की वाइंडिंग और फैन मोटर के अंदर यूज हुए लुब्रिकेंट भी सूखते नहीं है, जलते नहीं हैं। यहाँ से कन्वेक्शन हीटर को पावर सप्लाई हो रही है, और पावर सप्लाई देने से पहले जो एक ओवरहीट प्रोटेक्टर के सीरीज से पास हो रहे हैं हीटर, ये ओवरहीट प्रोटेक्टर थर्मोस्टेट 200 डिग्री सेल्सियस से जब ज्यादा टेम्परेचर होने लगता है तो यहाँ से कट ऑफ कर देता है, हीटर को पावर नहीं जाते हैं। ये प्रोटेक्टर सिर्फ इस एरिया के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए रहता है, लेकिन ओवन के अंदर बेकिंग टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो 180 से 200 डिग्री के आसपास जो सफिशियंट टेम्परेचर होते हैं, उतने टेम्परेचर इसके अंदर मेंटेन रहें, जो पीसीबी कंट्रोल से एक टेम्परेचर सेंसर को बेकिंग कंपार्टमेंट के अंदर कनेक्ट किए हुए होते हैं, जिनके अंदर के स्क्रू को खोल करके कुछ इस तरह से देखा जा सकता है। ये टेम्परेचर कंट्रोल सेंसर बेकिंग कंपार्टमेंट के अंदर के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। तो ये कन्वेक्शन फैन मोटर जिस ग्रिल के टेम्परेचर को कंपार्टमेंट के अंदर ब्लो करता है, हम उसको दिखाना चाहेंगे आपको। हम इन दो स्क्रू को खोलेंगे, इसको खोलने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ये है कन्वेक्शन हीट। जब कन्वेक्शन हीटर हॉट होता है
जब ये फैन ब्लेड रोटेट होते हैं तो इन हीटर से हीट होने वाली टेम्परेचर माइक्रोवेव के बेकिंग कंपार्टमेंट के अंदर ब्लो होता। अगर इनके हीटर की कनेक्टिविटी ओपन हो जाती है तो ये भी सीरीज में ही टेस्ट होते हैं, और हम इस हीटर एलिमेंट के सीरीज की टेस्टिंग करते हैं इस तरह से, जैसे कि ये दिखा रहे हैं, ये लाइट जल रही है, इसका मतलब है कि इनके सीरीज ओके है, ये कहीं से ओपन नहीं है, अंदर से ये वर्किंग है। और अगर ये ओपन दिखाई देते हैं, फॉल्टी हैं, तो यहाँ पर लगा हुआ स्क्रू, इसको इस तरह से घुमा करके इस स्क्रू को निकालिए और इस हीटर को रिप्लेस कर दीजिए इस तरह से, ये यहाँ से बाहर आ जाएंगे। इन हीटर को आप रिप्लेस कर दीजिए, दूसरे डाल दीजिए। अगर ये फॉल्टी है तो कन्वेक्शन हीट सर्कुलेशन फैन मोटर में भी अगर कुछ प्रॉब्लम आपको चेक करना है तो सीरीज टेस्टर से इनके मोटर की वाइंडिंग की सीरीज को इस तरह से चेक कर लीजिए, ये ओके दिखाने चाहिए, इसका मतलब ये ओके हैं। लेकिन इसमें कुछ फॉल्ट ऐसा भी होता है, अगर इस कन्वेक्शन फैन मोटर के अंदर जो लुब्रिकेंट पिलाए हुए होते हैं अगर वो सूख गए हैं, जल गए हैं हीट के इफेक्ट से, तो ये जाम हो जाते हैं। जब माइक्रोवेव में बेकिंग का काम काफी दिनों तक हो चुका होता है, माइक्रोवेव पुराने हो गए रहते हैं, तो इन फैन मोटर के बुशिंग के अंदर का लुब्रिकेंट सूख गया होता है, जल गए होते हैं, जिससे ये जाम हो जाते हैं। हम इनको घुमा रहे हैं लेकिन ये फ्रीली मूव नहीं हो रहे हैं, हम इनको काफी धक्का दे रहे हैं लेकिन फ्रीली मूव नहीं हो रहे हैं, ये जाम हो गए हैं। हम इस नट को इस जगह से खोलेंगे, यहाँ से इसको खोलने के बाद में हम इस ब्लेड को इस जगह से बाहर लेंगे इस तरह से। हमें यहाँ पे लुब्रिकेंट ऑयल पिलाने होंगे इस तरह से फ्री बनाना पड़ेगा। और अगर यहाँ से भी नहीं होते हैं तो फैन मोटर को भी खोलना होगा, जो ये फैन मोटर कुछ इस तरह से खुलेंगे। अब हमें इस फैन मोटर को यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचते हुए निकालना पड़ेगा, इस तरह से ये बाहर आ जाएंगे। और अब इस फैन मोटर को हम इस तरह से खोलते हैं, यहां से खोलेंगे, हम इसकी बुशिंग को भी बाहर लेंगे इस तरह से। इनमें भी लुब्रिकेंट पिलाना है इसमें। ये जो होल दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर लुब्रिकेंट पिलाए जाते हैं, इसमें काफ़ी अच्छा लुब्रिकेंट काफ़ी देर तक पिलाते रहना है। आप अगर यहाँ से भी डालेंगे तो ये यहाँ से बाहर नहीं गिरेंगे, तो अच्छा है कि इसमें भी आप डालते जाइए और इनको खूब सोखने दीजिए। तो वापस हमें इनको वापस फिट करना है, लेकिन उसके पहले हमें नीचे वाले को भी, इसके अंदर के जब रोटर को आप निकाल देते हैं तो आप देखेंगे आपको इस पोजिशन में मिलेगा ये इस तरह से। आप इस पार्ट में भी काफ़ी लुब्रिकेंट आपको खूब पिलाना है यहाँ पे। अब इनको वापस आप ऐसे ही बिठा दीजिए, इनके साइड को आप चेंज ना करिए, नहीं तो इनके रोटेशन चेंज हो जाते हैं, इनके डायरेक्शन चेंज हो जाते हैं, फैन को ये उल्टा घूमने लगते हैं। तो इनको उसी पोजीशन में ऐसे ही बिठाइए। अब इसमें रोटर को डाल दीजिए इस तरह से, और उसके ऊपर से बुशिंग को बिठा दीजिए, और इनमें स्क्रू डाल के आप वापस फिटिंग कर दीजिए, ये फिट हो जाएंगे। और इस फैन मोटर को आप वापस उसी पोजीशन में बिठा दीजिए इस तरह से, और इस हीटर ग्रिल को ऐसे नहीं, बिल्कुल इस पोजीशन में ऐसे होने चाहिए, ये इस तरह से जाने चाहिए, जो इनके होल के अंदर इस तरह से फंसेंगे। और यहाँ के लगे हुए नट को यहाँ पे टाइट कर देना है, और इस ब्लेड को यहाँ पर सेटिंग करके बिठा देना है वापस। अब आप देखेंगे कन्वेक्शन फैन ब्लेड बहुत फ्रीली मूव होने लगे है, वापस फिट कर देते हैं। इस तरह से माइक्रोवेव ओवन में वर्क करने वाले इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जब रिपेयर हो जाते हैं तो माइक्रोवेव यूजर को एक बेल क्वालिटी की ग्रिलिंग, रोस्टिंग, टोस्टिंग, एक अच्छी क्वालिटी में बेकिंग भी कर पाते हैं। तो डियर्स, कुछ कमेंट्स करना भी ना भूलें। हम मिलते हैं एक गुड गाइडेंस वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस मोमेंट।